मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पेपर वन फ्रेश वाटर फिश कल्चर में थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। इसके पहले वाले पीपीटी में फ़िश फार्म मैनेजमेंट, तो हमने उसमें हैचरी के बारे में पढ़ा था। हैचरी क्या होती है तो आपको मैं फिर से बता देती हूँ। हैचरी वो एक आर्टिफिशियल चेम्बर होता है जिसमें एग्स जो होते हैं, फ़िश के एग्स जो होते हैं, उनको इंक्यूबेट किया जाता है और उसमें से यंग वंस का प्रोडक्शन किया जाता है। मीन्स हैचिंग के लिए वो हैचरी को यूज़ किया जाता है और ये बड़े पैमाने पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है हैचरी। अभी हमने जो पहले पढ़ा था हैचरी, उसमें हमने हैचलिंग हापा के बारे में पढ़ा था, उसके बाद फ्लोटिंग हापा पढ़ा था। अभी हम लोग एक नए हैचरी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लास जार हैचरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ग्लास जार हैचरी होती क्या है, कैसी होती है वो, और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके पढ़ते हैं। प्रिंसिपल देखो ग्लास जार हैचरी का, दिस सिस्टम ऑपरेट अंडर द रूफ, देयर फोर कंट्रोल इज ऑन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कंटिन्यूस वर्टिकल फ्लो ऑफ वाटर कीप्स द एग इन सस्पेंशन एंड हेल्प्स टू अवॉइड स्पॉइलेज। तो ये वाले जो हैचरी होती है, ग्लास जार हैचरी, तो उसका जो सिस्टम होता है वो एक रूफ के अंदर उसका सिस्टम पूरा तैयार किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है पानी का, वो कंट्रोल कंडीशन में रखा जाता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है पानी का। और इस हैचरी में जो पानी का फ्लो होता है कंटिन्यूस चलते रहता है, कंटिन्यूस पानी फ्लो होते रहता है। क्यों? क्योंकि जो एग्स है वो सस्पेंशन उनमें बना रहे। ठीक है, अभी है ग्लास जार हैचरी कंसिस्ट ऑफ। ग्लास जार हैचरी कैसे बनी है तो उसमें चार चीज़ें लगी हुई होती है। वाटर सप्लाई सिस्टम होता है जिसमें से पानी हम कंटिन्यू फ्लो होते रहता है। ब्रीडिंग टैंक्स होते हैं, सीमेंट के बनाए जाते हैं। ठीक है, उसमें इंक्यूबेशन एंड हैचिंग जार्स होते हैं जो कि कांच के होते हैं या फिर प्लास्टिक के भी बनाए जाते हैं, तो इंक्यूबेशन जार्स उसमें होते हैं। स्पॉनरी होती है जिसमें जब स्पॉन जब तैयार होते हैं, मीन्स एग से जब यंग वंस हैच होते हैं तब उस स्पॉनरी में वो जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग गैस जार हैचरी के बारे में। सबसे पहले है वाटर सप्लाई सिस्टम। वाटर सप्लाई सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पंप सेट एंड 5 HP इंजन रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर सप्लाई सिस्टम किससे बना है, पंप सेट है उसमें और इंजन लगा हुआ है जो कि 5 horsepower का है और वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। बाय द इंजन क्लीन एंड नॉन पॉल्यूटेड वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम नियर बाय वाटर सोर्स एंड स्टोर्ड इन ओवरहेड टैंक। तो इंजन क्या करता है, क्लीन और नॉन पॉल्यूटेड वाटर जो होता है, जो कि एक ओवरहेड टैंक मींस ऊपर में एक टैंक रखी जाती है, उस टैंक का जो पानी है वो पंप करता है। ठीक है, द ओवरहेड टैंक शुड बी प्लेस्ड ऑन ब्रिक टॉवर ऑफ 4 meter हाइट। तो जो ओवरहेड टैंक होती है वो कहाँ पे रखी जाती है, ब्रिक टॉवर पे। एक टॉवर बनाया जाता है ब्रिक से और 4 meter की हाइट एटलीस्ट वहाँ पे चाहिए होती है, तो 4 meter के हाइट पे वो टैंक रखी जाती है। दिस हाइट इज़ फाउंड सुटेबल टू जनरेट प्रेशर फॉर सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन हैचरी। तो ये हाइट जो है 4 meter की हाइट, ये सुटेबल हाइट है कि वो जो हैचरी है हमारी उसमें प्रेशर जनरेट हो सके और उस प्रेशर के कारण क्या होता है, वहाँ पे पानी में सर्कुलेशन बना होता है। द सिस्टम ऑफ पाइप्स कनेक्टेड द ओवरहेड टैंक विद ग्लास जार। तो पाइप सिस्टम बना रहता है जो कि टैंक से अपने जो ग्लास जार्स होते हैं, 20 ग्लास जार्स होते हैं मिनिमम, तो 20 ग्लास जार में उसके कनेक्शंस होते हैं। मींस वो जो टैंक है उसके पाइप के कनेक्शन उस ग्लास जार में लगे होते हैं। द सिस्टम ऑफ मैक्सिमम वाटर रिक्वायर्ड 20 ग्लास जार इज 20 लीटर पर मिनट। तो कितना वाटर रिक्वायर है यहाँ पे, 20 ग्लास जार के लिए
20 लीटर पर मिनट, एक मिनट में वहाँ पे 20 लीटर पानी आना चाहिए। फॉर ओवरहेड टैंक्स ऑफ 5000 लीटर कैपेसिटी इज़ कन्वीनियंट। तो जो ओवरहेड टैंक होती है, ऊपर जो हमने टैंक लगाई है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 5000 लीटर कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए। फाइन मैश स्क्रीन शुड बी फिटेड एट द इनटेक ऑफ पंप टू अवॉइड एंट्री ऑफ प्लैंकटन और इंसेक्ट एसेक्ट्रा। तो इनटेक होता है पंप का, जो इनटेक होता है, ठीक है, जहाँ से पानी आता है, वहाँ पे एक स्क्रीन लगाई जाती है, फाइन मैश स्क्रीन, तो जाली की तरह होती है, वो लगाई जाती है। और वो क्यों लगाई जाती है? कि हमको क्या करना है, प्लैंकटन्स और इंसेक्ट को वहाँ पे अंदर हैचरी में नहीं आना चाहिए, इसीलिए वहाँ पे एक स्क्रीन लगाई जाती है। उसके बाद है सेकंड, ब्रीडिंग टैंक्स। टू और थ्री कनेक्टेड टैंक्स ऑफ 2x1x1 मीटर, मीन्स टू लेंथ और ब्रेथ 1 मीटर और हाइट 1 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से 2 से 3 कनेक्टेड टैंक्स वहाँ पे होती है। आर रिक्वायर्ड इन 20 जार्स हैचरी यूनिट फॉर द स्पॉनिंग ऑफ कार्प बाय हाइपोफाइसेशन मेथड। तो जब हम लोग स्पॉनिंग करते हैं कार्प का, तो हाइपोफाइसेशन टेक्निक से करते हैं, मीन्स इंड्यूस ब्रीडिंग। तो उनको इंजेक्ट किया जाता है, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट फिश में इंड्यूस इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, फिश स्पॉन करती है। तो ब्रीडिंग टैंक्स कितनी होती है? 2 और 3 ब्रीडिंग टैंक्स होती है, जिसका साइज होता है 2x1x1 मीटर। तो 20 जार के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जार इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। इंक्यूबेशन एंड हैचिंग जार्स, इंक्यूबेशन और हैचिंग जार्स आप अपना पेज नंबर अपने बुक में पेज नंबर 56 पे डायग्राम में देख सकते हैं। तो इंक्यूबेशन और हैचिंग जार्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, ग्लास जार दिया है अपने इसमें डायग्राम में दिया है। इंक्यूबेशन एंड हैचिंग जार्स आर सिलेंड्रिकल टूवर्ड्स द टॉप। एंड फनल शेप टूवर्ड्स द बॉटम। तो जो इंक्यूबेशन और हैचिंग जार्स होते हैं, वो ऊपर की तरफ क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और नीचे की तरफ कैसा होता है उनका शेप, फनल शेप होता है। द टोटल हाइट ऑफ जार इज 61.5 सेंटीमीटर, और जार की हाइट होती है 61.5 सेंटीमीटर। ईच जार हैज कैपेसिटी टू अकोमोडेट 0.5 लाख एग्स ऑफ कार्प। आप प्लीज़ अपनी बुक आपने अपने सामने रखिएगा। देखो यहाँ पे कुछ कुछ थोड़ा मिस्टेक है। तो सेकंड पॉइंट जो है, ईच जार हैज़ कैपेसिटी टू अकोमोडेट 0.5 लाख ऑफ कार्प, एग्स ऑफ कार्प। तो हर एक जार में कितनी कैपेसिटी होती है? 0.5 लाख एग्स उसमें आ सके, इतनी कैपेसिटी उस जार में होती है। द जार आर वर्टिकली प्लेस्ड ऑन वुडन टेबल थ्रू होल्स फिटेड बाय 3 क्लैंप्स। तो जार्स कैसे रखे जाते हैं? वुडन टेबल पे रखे जाते हैं वर्टिकली, और जो नीचे वाला हिस्सा है उनका, वो होल में, मतलब फनल शेप जो होता है नीचे का, वो होल में एडजस्ट किया जाता है, उसको 3 क्लैंप्स होते हैं। द जार्स आर प्लेस्ड इन टू रोज बाई कीपिंग द गैप ऑफ 21.5 सेंटीमीटर बिटवीन देम। तो दो रो जो होती है ग्लास की, दो रो लगाई जाती है, और वो दो रो में 21.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है, एंड बिटवीन जार्स ऑफ 45 सेंटीमीटर। और जार में कितना सेंटीमीटर का फ़र्क होता है? 45 सेंटीमीटर का। और जो रोज़ होती है, उन रो में 21.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। एट द टॉप ऑफ ईच जार गैल्वनाइज्ड आयरन रिंग इज फिटेड। तो हर एक जार में, जार के ऊपर टॉप वाले हिस्से में गैल्वनाइज्ड आयरन रिंग फिट की जाती है। द आयरन रिंग हैज़ बीक, और आयरन रिंग को बीक होती है जिसमें से पानी निकल सके बाहर, पानी के साथ साथ जो हमारे हैचलिंग्स है वो भी बाहर निकल सके, इसीलिए वो आयरन रिंग में क्या होती है, एक बीक होती है। विच सर्व्स एज एन आउटलेट फॉर द वाटर कमिंग आउट ऑफ जार। तो वो क्या, एक आउटलेट की तरह काम करती है, जिससे वाटर बाहर आता है जार से।
ईच जार इज कनेक्टेड टू द टैप एट इट्स बॉटम. तो बॉटम में हर एक जार में टैप कनेक्ट होता है. लॉन्ग ओपन आयरन चैनल इज फिटेड लेंथ वाइज बिटवीन टू रोज ऑफ जार. तो वहाँ पे चैनल फिट किया जाता है, ओपन आयरन चैनल होता है जो कि दोनों रो में फिट किया जाता है जार्स में. द वाटर्स फ्रॉम जार्स पोर इनटू चैनल एंड देन फ्लोज डाउन द स्पॉनरी. तो जो वाटर जार में से फ्लो होता है, पहले वो चैनल में आता है और उसके बाद वो स्पॉनरी में आता है. स्पॉनरी मीन्स वो जो टैंक हमने आगे फिट किए हैं. अभी देखो, आपको इस पिक्चर से आपको बराबर समझ में आ जाएगा. इस तरह से वो जार्स को लगाया जाता है, ठीक है, और जार्स में पाइप लगाया जाता है जिसमें से पानी आते रहता है. और जार जब ओवरफ्लो होते हैं तब उसमें से एक पाइप बाहर निकलता है जो कि यहाँ पे टैंक्स दिख रहे हैं आपको. देखो टैंक्स दिख रहे हैं, उसमें वो पानी और जो हैचलिंग्स है वो उसमें कलेक्ट होते हैं. और अपना ये बुक में दिया हुआ डायग्राम है. तो देखो यहाँ पे सीमेंट सिस्टर ने जो बने हैं, सीमेंट से जो टाके टाइप टैंक टाइप बने हैं, ठीक है, उसको स्पॉनरी बोले गए हैं. ठीक है, स्पॉनरी मीन्स अंदर में जो पानी है वो है स्पॉनरी. और ये है ग्लास जार, ऊपर में जो रखे हैं लाइन में रखे हुए हैं देखो. और ऊपर ओवरहेड टैंक होती है सबसे ऊपर, वहाँ से पानी आता है. और वाटर सप्लाई वहाँ पे लिखा है देखो अपने डायग्राम में, वाटर सप्लाई. फिर एक तरफ शॉवर भी है कि ऊपर से पानी उसमें कंटिन्यू फ्लो चलते रहता है. और ये जो ओपन चैनल यहाँ पे लिखा है देखो हमारे बुक वाले डायग्राम में, ओपन चैनल मीन्स जो पूरे जो ओवरफ्लो है वो पानी में से उस ओपन चैनल में से निकलता है. और वहाँ से सिस्टर सीमेंट सिस्टर ने जो टैंक है नीचे बनी हुई उसमें जो एग्स है उसमें से निकले हुए हैचलिंग्स उसमें जाते हैं और एग्स जो है वो नीचे ही रह जाते हैं. और जो स्पॉन्स हैं हमारे वो बाहर बराबर ओपन चैनल से निकल के अपने स्पॉनरी में जाते हैं. तो ये इस तरह से हैचरी होती है. अभी है स्पॉनरी. स्पॉनरी कंसिस्ट ऑफ नायलॉन हापा फिक्स्ड ऑन द फ्रेम. स्पॉनरी किससे बनती है? नायलॉन हापा से बनती है जो कि एक फ्रेम में फिक्स की जाती है. इट इज़ प्लेस इन द सीमेंट सिस्टर्न और सीमेंट सिस्टर्न में उसको रखा जाता है. द हाइट ऑफ हापा इज स्लाइटली मोर देन सीमेंट सिस्टर्न टू प्रिवेंट ओवरफ्लोइंग ऑफ हैचिंग फ्रॉम हापा. तो हापा की जो हाइट होती है वो स्लाइटली थोड़ी ज़्यादा होती है सीमेंट सिस्टर्न से. वो सीमेंट का जो टैंक है उसको बोला गया है सीमेंट सिस्टर्न, उससे अपने हापा की जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है थोड़ी. क्यों? क्योंकि उसमें से हैचिंग जो है हमारे बाहर ना निकल जाए ओवरफ्लो होने की वजह से. ओवरहेड शॉवर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू स्प्रे वाटर ओवर डेवलपिंग हैचलिंग्स इन स्पॉनरी. तो ओवरहेड शॉवर आपको दिख रहा है देखो हमारे डायग्राम में, ओवरहेड शॉवर. ये देखो शॉवर लगा है, तो ये शॉवर वहाँ पे फिक्स किया गया है क्योंकि जो हमारे स्पॉन है उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके. ओवरहेड शॉवर इज प्रोवाइडेड टू स्प्रे वाटर ओवर डेवलपिंग हैचलिंग इन स्पॉनरी. द शॉवर इज इसेंशियल टू कीप द एटमोसफियर कोल्ड एंड मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन स्पॉनरी टू रिड्यूस मॉर्टेलिटी ऑफ स्पॉन. तो ये जो शॉवर है वो यहाँ पे क्यों लगाया गया है और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसको कोल्ड रखा जा सके और टेम्परेचर जो है वो वाटर का मेंटेन किया जा सके, क्योंकि उसमें ज़्यादा मॉर्टेलिटी ना हो, डेथ रेट ज़्यादा ना हो. ठीक है, फिश में डेथ ना हो, जो हमारे स्पॉन हैं उनमें मॉर्टेलिटी ना हो, इसीलिए वो शॉवर वहाँ पर लगाया गया है. उसके बाद है ऑपरेशन. ऑपरेशन किस तरह से, इसका मीन्स ऑपरेट किस तरह से किया जाता है ये हम देखेंगे. वॉटन हार्डन एग्स. वॉटन हार्डन एग्स मीन्स ऐसे एग्स जो पानी में कुछ टाइम पीरियड के लिए हो और उन वो एग्स जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्लीक बन जाते हैं, मीन्स थोड़े से फर्म हो जाते हैं वो. तो
उसको बोलते हैं वॉटर हार्डन एग्स, मीन्स कुछ पीरियड के लिए वो पानी में रह चुके हैं ऐसे एग्स। तो वॉटर हार्डन एग्स ऑफ कार्प्स आर केप्ट इन ईच जार वेरी जेंटली। तो जो हमको क्या करना है, अभी हमारा ग्लास जार हैचरी है, तो जो ग्लासेस हमने फिक्स किए हैं, ठीक है, जो 20 ग्लास जार्स हमने फिक्स किए हैं उसमें हमको ये एग्स डालना पड़ता है, ठीक है, वॉटर हार्डन एग्स जो पानी में थोड़ी देर रह चुके हैं, और वो एग्स हम लेते हैं और हम वो किस में डाल रहे हैं, ग्लास जार में डाल रहे हैं, और हमको बहुत ही आराम से बहुत ही जेंटली उसको पानी में जार्स में रखना है। द डेवलपिंग एग्स इन द जार ग्लास जार हैचरी नॉर्मली टेक्स 14 आवर्स टू 30 आवर्स टू हैच आउट अंडर यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ 27.5 डिग्री सेल्सियस। तो डेवलपिंग एग्स जो होते हैं जब हम ग्लास जार हैचरी में उसको डालते हैं तब वो कितना टाइम लेते हैं, 14 टू 30 आवर्स उनको लगता है हैच होने के लिए, ठीक है, और उसमें जो यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है जो कि 27.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ड्यूरिंग इंक्यूबेशन फ्लो ऑफ वाटर सो रेगुलेटेड दैट द एग्स आर स्टर्ड जेंटली विदाउट स्प्लिटिंग। तो इंक्यूबेशन के टाइम पे क्या होता है, वाटर फ्लो उसमें कंटिन्यू चालू रहता है, जो हमारे ग्लास जार है उसमें वाटर फ्लो कंटिन्यू चालू रहता है, उसके वजह से क्या होता है, कंटिन्यूस वो जो हमारे एग्स है वो स्टर होते रहते हैं, जेंटली स्टर होते रहते हैं, मतलब ऊपर नीचे वो होते रहते हैं फ्लो ऑफ वाटर की वजह से, और विदाउट स्प्लिटिंग वो एग्स जो है स्प्लिट नहीं होने चाहिए उस फ्लो के वजह से। तो हमको उस तरह से स्पीड उस पानी की हमको मेंटेन करना पड़ता है, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो एग्स को स्प्लिट होने का खतरा रहता है, इसीलिए जो वाटर फ्लो है हमें ध्यान रखकर उसमें चालू रखना चाहिए। टू कीप द एग्स इन सर्कुलेशन 600 to 800 ml पर मिनट वाटर फ्लो इज सफिशियंट। तो एग्स जो है वो सर्कुलेशन में होने चाहिए हमेशा, तो इसीलिए हमको जो वाटर फ्लो है तो वो कैसा रखना पड़ता है, 600 to 800 ml पर मिनट, पर मिनट में इतना ही वाटर फ्लो होना चाहिए, 600 to 800 ml का फ्लो होना चाहिए, तो ये वाटर फ्लो सफिशियंट है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हैचिंग रेट ऑफ वाटर फ्लो इज इंक्रीज स्लाइटली। तो हैचिंग होने के बाद पूरी तरह से जो एग्स है उनका हैचिंग अगर हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वाटर फ्लो स्लाइटली स्पीड अप कर देते हैं, क्यों, क्योंकि जो हैचलिंग्स है वो एस्केप हो सके हमारे जार से। तो हैचलिंग्स जो निकलते हैं एग्स से, जो यंग वंस निकलते हैं वो जार से बाहर निकल सके, इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीड जो है पानी का बढ़ा देते हैं। द हैच फ्लो डाउन टू द स्पॉनरी थ्रू ओपन आयरन चैनल। तो जो हैच होते हैं हमारी हैचलिंग्स होते हैं वो स्पॉनरी में फ्लो हो जाते हैं, ठीक है, नीचे स्पॉनरी के तरफ फ्लो हो जाते हैं, किसके थ्रू, ओपन आयरन चैनल के थ्रू। द एग शेल डेड एंड रूटन एग्स एंड हैचलिंग में लेफ्ट इन द जार्स। और जार में फिर क्या बच जाता है, एग शेल डेड एंड रूटन एग्स एंड हैचलिंग वहाँ पे जार में बच जाते हैं। दे आर रिमूव बाय डिसकनेक्टिंग द टैप एंड कलेक्टिंग देम फ्रॉम द जार इन ट्रे। और जो वो हमारे एग शेल है, रूटन एग्स है, रूटन हो जाते हैं, तो वो सब जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाद में टैप को बंद करने के बाद हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं ट्रे में। वाटर इज स्प्रेड ओवर द स्पॉनरी कंटिन्यूसली फॉर 3 to 4 days ड्यूरिंग विच योक सैक ऑफ हैचलिंग एब्जॉर्ब और कम्प्लीटली एंड माउथ ओपन आउट। तो स्पॉनरी में जो वाटर होता है तो उस कंटिन्यूस उसमें तीन से चार दिन तक वो एग्स रखे जाते, एग्स नहीं हैचलिंग्स रहते हैं जब तक कि उनका योक सैक पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता और माउथ ओपन नहीं हो जाता, तब तक हम लोग उसको स्पॉनरी में ही रखते हैं। एट दिस स्टेज डेवलपिंग फिश इज कॉल्ड स्पॉन।
तो ये स्टेज पे जब फिश आ जाती है, जब उनका योक सैक एब्जॉर्ब हो जाता है पूरी तरीके से और उनका जो माउथ ओपन हो जाता है, तो ये स्टेज को क्या बोलते हैं, स्पॉन कहा जाता है। इस स्टेज को स्पॉन कहा जाता है। द स्पॉन देन ट्रांसफर टू द नर्सरी पॉन्ड फॉर फर्दर डेवलपमेंट। और फिर बाद में ये जो स्पॉन है इनको नर्सरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट। उसके बाद है क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ एग्स। फॉर काउंटिंग ऑफ एग्स टी स्टेनर और कप विथ परफोरेटेड बॉटम इज यूज्ड। तो हमको अगर एक गिनना, एक का काउंटिंग करना है तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, टी स्टेनर जो हमारी छन्नी होती है वो, और कप विथ परफोरेटेड बॉटम इज़ यूज्ड। तो या फिर कुछ कप्स मिलते हैं जो कि उनको छेद छेद होते हैं, क्यों, क्योंकि जो पानी है वो पूरा निकल जाए और पूरे टोटल हमको जो एग्स है उसका वेट मिले या उसको हम काउंट कर सकें, तो इसीलिए वो क्या होते हैं, परफोरेटेड बॉटम वाले होते हैं जिसमें क्या होते हैं, छेद होते हैं। फ्री सैंपल ऑफ एग्स टेकन फॉर काउंटिंग सेपरेटली टू डिटरमाइन द एवरेज नंबर ऑफ एग्स होल्ड बाय ईच कप। तो उसमें से सैंपल किए जाते हैं और एवरेज नंबर ऑफ एग्स निकाले जाते हैं। थ्री सैंपल लिए जाते हैं कि एक तीन कप लेंगे हम लोग, उसमें एक कप में कितने एग्स है वो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे, सेकंड कप लेंगे उसमें कितने हैं और थर्ड कप लेंगे उसमें कितने एग्स आए, तो इसका पूरा एवरेज नंबर निकाला जाता है कि एग होल्ड कितने कर सकता है एक कप। तो एवरेज से हमको पता चल जाता है कि मिनिमम इतने इतने एग्स इस कप में आ जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एग्स आर देन वर्कड आउट बाय मल्टीप्लाइंग एवरेज नंबर ऑफ एग्स इन ईच सैंपल कप विद नंबर ऑफ कप्स ऑफ एग्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको नंबर ऑफ एग्स कितने मिले वो एवरेज हम निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं कि कप्स हम लोग कितने कितने कप्स हमने गिने हैं, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम लोग निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ एग्स। तो टोटल नंबर ऑफ एग्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एग्स इन ईच सैंपल कप। तो हर एक सैंपल में कितने नंबर एग्स है इसका एवरेज इन टू नंबर ऑफ कप्स फुल ऑफ एग्स। तो हमने नंबर ऑफ कप्स कितने लिए हैं वो हम लोग लेते हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एग्स होल्ड बाय ईच कप। तो नंबर ऑफ एग्स होल्ड बाय ईच कप कितना है एवरेज, 5000। उसके बाद नंबर ऑफ सैंपल कप्स फुल ऑफ एग्स, तो नंबर ऑफ सैंपल कप हमने कितने लिए हैं, 20। ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ एग्स लेड बाय फीमेल हम लोग निकालते हैं, तो उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एग लेड बाय फीमेल इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो ए क्या है हमारा, नंबर ऑफ एग्स होल्ड बाय ईच कप, तो कितना होगा, 5000। और नंबर ऑफ सैंपल कप फुल ऑफ एग्स, हमने कितने कप सैंपल लिए हैं, तो कितने लिए हमने, 20 कप्स निकाले हैं जिसमें हर एक कप में कितना है, 5000 एग्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू बी मीन्स ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5000 इंटू 20, बी की वैल्यू है 20 मीन्स नंबर ऑफ कप्स, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा 1 लाख। तो 1 लाख एग्स, 1 लाख एग्स उस टोटल नंबर एग्स हमको मिले हैं जितने की फीमेल्स ने वहाँ पे ले किए है। फीमेल्स कितने एग दे रही है, टोटल नंबर ऑफ एग्स 1 लाख एग्स दे रही है। तो ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ एग्स। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।